Can you guys believe? Like, I literally ordered 11 products for just rupees 700. हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अर न्यू वीडियो ना इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैंने ऐसे बैठ के तुम लोगों से बात करी हो एंड यू नो एक सुंदर सा मेकअप किया हो इसलिए आज मैं बेयर फेस आई हूँ एंड मैं तैयार होकर यू नो तुम लोग भी सोच रहे हो कि बिना मेकअप के क्या करिए यहाँ पे सो टाइटल देख के तो वैसे तुम लोग को पता ही चल गया होगा कि आज इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं सबसे सस्ता मेकअप किट फ्रॉम मीशो नाओ मेरे पास ना एक ये पूरा डब्बा है एंड ये मैंने मीशो से मंगाया है मैंने इस तरीके के वीडियोस काफ़ी सारी बनाई हैं ऑन एमेजोन एंड नाइका वेर आई ट्राइड लाइक द चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम दैट ऐप ये पूरा एक मेकअप किट है सो दैट इज लाइक मोर इंटरेस्टिंग टू मी बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द न्यू मेम्बर्स इन दिस चैनल यू ज शावर्ड सो मच लव एंड सपोर्ट टू मी एंड नाउ वी आर नियरली अ फैमिली ऑफ फाइव थाउजेंड पीपल एंड इट जस्ट फील्ट सो गुड इनकेस यू आर न्यू हेयर देन डेफिनेटली जॉइन दिस फैमिली आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट सो फाइनली हम इसको यू नो अनबॉक्स करते हैं लाइक सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इसमें तो बहुत सारा सामान है ऑर्डर इलेवन प्रोडक्ट्स फॉर जस्ट रुपीज सेवन हंड्रेड दिस इज चीपर देन सरोजी नगर गाइज एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट सबसे पहला प्रोडक्ट है प्राइमर सो आई हैव प्राइमर फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड एक्चुअली एस आई प्राइमो मैंने सरोजी नगर से लिया था फॉर फिफ्टी रुपीज वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग एंड इट ऑल्सो हैज़ एस पी एफ थर्टी आई मीन द फर्स्ट इन्ग्रीडियंट इट हैज़ इज Methylparaben, okay. Let me try this primer out. ये प्राइमर एक प्राइमर नहीं है इट फील्स मोर लाइक अ जेल एंड इससे ना मेरा फेस थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा हो गया है एंड इससे मेरे पोर्स में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है गाइस मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन आई हैव ये विद मी ब्यूटी फाउंडेशन एंड गाइज नाव आई एम वरिंग अबाउट द शेड क्योंकि जब मैंने मेकअप किट मंगाया था तो इसमें कोई शेड ऑप्शन नहीं था लाइक like, जो भी इस कलेक्शन में मिलेगा वही आने वाला था सो लेट्स ट्राई इट आउट के से जो किट होते हैं ना इसमें ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो शेड होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है क्योंकि इनको सबको गोरा बनाना है आई डोंट नो द ऑब्सेशन यू नो विद द फेयर और वाइट स्किन एंड अभी एक्चुअली मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये शेड मेरी स्किन पे कैसा लगने वाला है बट आई कैन ऑलरेडी सी दैट दिस इज नॉट माई शेड भले ही मैं भूत बन जाऊँ बट आई एम गई एंटरटेन यू गाईज ओके so i have applied foundation all over my face so इसको blend करके देखते हैं. is this is not a foundation it's more like a bb or cc cream and to be honest like wo bb and cc creams are actually better than this foundation and yahan pe main bahut der se laga rahi hu but this portion mein mera foundation bilkul bhi nahi lag raha hai एंड आई फील लाइक जो फाउंडेशन जो बेस है वो मेकअप का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट द फाउंडेशन एंड आई एम नॉट द प्रो गाइज इन मेकअप इनकेस अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे कोई प्रोफेशनल मेकअप देखने वाले हो सो दिस इज नॉट द प्लेस गाइज यू डेफिनेटली नीड टू विजिट मालविका सतलानी फॉर दैट बट आई एम जस्ट आई एम जस्ट हैविंग फन ओवर हेयर विद दीज मेकअप एंड ट्राइंग आउट ऑन माई फेस एंड seeing how this gonna work so so far this foundation is a no no for me Nicks Wonder no. Stick definitely this is not from Nicks ये उसका कॉपी वर्जन है एंड इस तरीके की सेम स्टिक मैंने नायका से ली थी जब मैंने नायका चीपेस्ट मेकअप किया था एंड दैट वॉज from Inside कॉस्मेटिक एंड उसका क्वांटर एक्चुअली काफ़ी अच्छा था सो फर्स्ट I'm gonna डिड यू guys सी दैट Now I have to be a little careful about this. So it's gonna fix it. It's okay. It's okay, not a big deal. I see this makeup. I'm already scared of this, okay? So contour maybe this is definitely not my shade. dark hai, But we'll try to work with it. So I'm gonna contour my forehead and my cheekbone. and my jawline guys terrible i'm also going to contour my nose I'm blending this contour and I can clearly see कि ये line तस से मस नहीं हो रही है and I don't know what to do like अगर मैं थोड़ा अच्छे से drag कर रही हूँ तो मेकअप प्रोडक्ट ही गायब हो रहा है एंड जेंटली ब्लेंड करने में ब्लेंड नहीं हो रहा एंड मेरा ऑलरेडी ये आम बहुत दर्द कर रहा है सम हाउ आई मैनेज टू ब्लेंड दिस बट डिड आई लाइक द कॉन्टर डेफिनेटली नो 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 इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड एंड अगर तुम सोच रहे हो कि क्या पता है स्पंज में प्रॉब्लम हो सो नो गा स्पंज से मैंने बहुत मेकअप ब्लेंड किया है सो आई नो दैट ये स्पंज मुझे बेटरे नहीं करेगा सो द रियल कल्परेट हेयर इज द कॉन्टोस्टिक ना आई वॉज थिंकिंग ऑफ यूजिंग कंसीलर एंड अभी मैंने देखा कि गाइज एज किट में कंसीलर नहीं है विच इज गाइज सच फेल बिकॉज आई लव कंसीलर सो गाइज अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं एंड मैं ना इसको खोल के देखना चाहती हूँ लाइक मुझे बाहर से पता चल रहा है कि यह आई शेडो पैलेट है एंड मुझे आई शेडो पैलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है So, guys, this is how the outer packaging of the product looks like. Now, I did to see the inner packaging. So, it opens like this. सो so, पे बहुत ही ज्यादा प्रिटी शेड्स दिख रहे हैं मुझे पैलेट लुक लाइक ये अच्छे कलरफुल एंड जैसे दिख रहे हैं वैसे ही मेरी आईज में उतरे ना तो गाइज भाड़ में गया ये मेकअप किट तो मैं सोचूंगी कि सात सौ रुपए का यही खरीद लिया एंड आई विल बी हैप्पी विद डेट दूसरा स्टेप हम इसमें देखते हैं ये खुलेगा ना हाँ खुल रहा है खुल रहा है कुछ इस तरीके से खुलता है इसमें एक स्पंज है जो अटक गया एंड दीज आर डेफिनेटली लिपस्टिक्स दिस इज़ आई गेस पाउडर जो कि अगेन बहुत ज़्यादा लाइट है एंड दिस इज डेफिनेटली हाई लाइटिंग शेड नाओ आई एम ऑल्सो कना ओपन द हेलो किटी ब्रशेज नाव मुझे द हेलो किटी बहुत ज़्यादा पसंद है जब मैं छोटी थी तो मेरे पास बैग हुआ करता था हेलो किटी का इसको ओपन करके देखते हैं सो गाइज दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड ये अगेन कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर कौन से कौन से ब्रशेस है एंड सरप्राइजिंगली इसके ब्रिसल्स भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है गाइज स्पेशली जो चीप मेकअप ब्रशेस होते हैं ना उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो ऐसा लगता है चुभ रहे हैं तुम्हारे फेस में बट दिस इज लाइक रियली रियली सॉफ्ट इतने क्यूट और छोटे तो हैं बट ये काम भी करेंगे या नहीं आई डोंट नो एंड कि मैं कौन से ब्रश से मतलब आई शेडो लगाऊँ सो लेट्स गो विद दिस वन अभी मैंने नोटिस किया कि इसमें सारे के सारे शिमरी शेड्स हैं सो वी हैव टू वर्क विथ दैट ओनली ब्रशेज जस्ट लुक्स क्यूट हो गए दे आर वर्किंग. वर्किंग कैन यू सी दैट लाइक मुझे इसमें कलर तो नहीं दिख रहा बट देर इज लॉट ऑफ लाइक ग्लिटर्स सो इसको मैं थोड़ा सा इधर भी लगा लेती हूँ ना एम कन्फ्यूज कि मैं कौन सा शेड उठाऊँ इस पैलेट में से एंड मुझे ना यहाँ पे ये तीन लेवेंडर शेड्स दिख रहे हैं एंड आई थिंक आई एम गोना गो विथ दिस बिकॉज मैंने कभी भी लेवेंडर आई शेडो नहीं लगाया है लाइक पिक दिस शेड ओवर हेयर सो इस तरीके से लिख रही है एंड फिंगर में तो ये पिगमेंटेड लग रहा है बट लेट्स सी आईज में कैसा लगता है रियली प्रिटी एंड काफी अच्छी पिगमेंटेशन भी है। आई होप यू कैन सी ऑन द कैमरा। दिस अ रियली प्रिटी शेड एंड मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया आई शेडो वैसे ही पसंद है एंड इतने कलरफुल आई शेडोज दिस ब्लू शेड एंड दिस ग्रीन वन एंड द पिंक वन लास्टली दिस कलर ओके

सो आई थिंक इट्स बेटर नाउ आई मीन कैमरा में कितना सही लग रहा है so, सो दूर से तो ना ये ब्लश बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लग रहा है बट इफ आई कम क्लोज टू यू देन कैन यू सी मतलब कितना ज्यादा ग्लिटर है इसमें सो डेफिनेटली आई डोंट लाइक दिस ब्लश बट नाव इसमें से ना हम लिपस्टिक थोड़ी देर में लगाएंगे उससे पहले उससे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ ये हाईलाइटर नाउ दिस इज हाउ द हाईलाइट लुक्स लाइट एंडस ट्राइट ये कंसीलर है हाईलाइट ही लिखा हुआ है इसमें तो बट अप्लाई करने में भी यू नो कंसीलर ही लग रहा है बट इसका सटल सा ग्लो तो है कैन यू सी गाइज ओके ये ना अप्लाई करने में ना बिल्कुल कंसीलर की तरह लग रहा है बट ब्लेंड करने के बाद सटल एंड नेचुरल सा ग्लो है मेरे नोज के जो ब्रिज है ना इसमें काफी सटल सा ग्लो मुझे दिख रहा है आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग ओ गाइज आई फील है कि डेफिनेटली उस तरीके का हाइलाइटर नहीं है जो मैं यूज करती हूँ एंड जिससे ना थोड़ा सा ग्लो आता है क्योंकि ग्लो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है बट जहां जहां पे भी मैंने अप्लाई किया है वहां पे ना ब्राइटनिंग इफेक्ट मुझे दिख रहा है लाइक like इस एरिया में इस पोर्शन में इस पोर्शन में सो आई डोंट नो फाइनली इज माई फेवरेट पार्ट मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है एंड इसमें वैसे कुछ भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक्स नहीं है ब्रश ओवर है मुझे ना इतना धक्के पे धक्के लग रहे हैं इस वीडियो में मतलब मैंने इस ब्रश को ना यहाँ पे टच करी थी एंड ये इतना कम प्रोडक्ट है ना मतलब मैंने इसको अच्छे से थोड़ा यू किया और दिस हिट द पैलेट ओके लाइक इसमें ना के बराबर प्रोडक्ट है सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड अप्लाई द लिपस्टिक तुम देख रहे हो ये पैलेट में ब्राउन सा न्यूट शेड लग रहा है बट मेरे लिप्स पे लगाने के बाद एक तो पहली बार मुझे दिख नहीं रहा एंड ये मोर का ना ग्लॉस लग रहा है बट इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड बट इट्स नॉट द शेड दैट इज पैलेट सो अभी ना मैं इसको थोड़ा सा ये वाला भी लगा के देखती हूँ एंड इसको मैं फिंगर्स से निकालूंगी रेड भी लगा दूंगी अब एंड लास्ट में बचा ये सब मिक्स दिस इज नॉट लुकिंग बैड गाइज ओ हाँ इसका हम हाईलाइट ट्राई कर सकते हैं इट मे टेक दिस हाईलाइटर एंड अप्लाई ऑन माई नर्व सो so, इस लगाने पे पाउडर अलग हो रहा है एंड ग्लिटर अलग हो रहा है सो so, ये भी किसी काम का नहीं है मेरा फेस ग्लिटरी ग्लिटरी हो गया है सो गाइज मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट होने वाला है एंड मैं नीचे देख रही हूँ स्टिल इतने सारे प्रोडक्ट्स है आई हैव दिस आई लाइनर आई लैश कर्लर मस्कारा सो अब हम नहीं मस्कारा से पहले हम आई लैश कर्लर और लाइनर uh, लगाएंगे एंड आई लव द फैक्ट दैट इट इज़ अ स्केच पेन टाइप ऑफ आई क्योंकि इसको ना यूज करना काफी इजी होता है सो इट्स ग्रेट फॉर बिगिनर्स और किसी को भी कोई भी इसको ईजिली लगा सकते हैं आई एम ऑलरेडी लविंग दिस आई लाइनर इट्स लाइक सुपर पिगमेंटेड एंड इट्स जेट ब्लैक आई एम शॉक्ड, शॉकड दिस गाइज लाइक दिस इज अमेजिंग आई लव दिस आई लाइनर इट जस सो जेड ब्लैक इट जस मूव सो इजीली अप्लाई करने में बहुत ईजी है एंड इस तरीके के स्केच लाइनर मैंने कलर बार कर लिया था विच वॉज फॉर आई थिंक सेवन हंड्रेड रुपीज एंड सेवन हंड्रेड में मुझे पूरा मेकअप किट मिला एंड दिस आई लाइनर ओ माई गॉड एंड यू सी दैट अप्लाई किया ऑलरेडी सूख चुका है सो so, I'm just I I just love this eyeliner guys I, I already have one eyelash curler so ek aur aa gaya mere paas which is a great thing if it curls my lashes who cares about the quality right so so guys the problem with this eyelash curler is ये ना यहाँ पे space नहीं है न, इसको curl करने problem हो रही है and थोड़ा सा उधर करने में ना skin भी trapped हो रही इसको यूज करना ना थोड़ी सी ट्रेकी है एंड यू कैन हर्ट योर सेल्फ लग रहा था कि इसमें से मस्कारा निकलेगा बट इसमें से तो तीन तीन प्रोडक्ट निकले नाउ दिस इज मस्कारा एंड दिस वन इज़ आई लाइनर सो मुझे पहले पता नहीं था कि इसमें से भी आई लाइनर निकलने वाला है नहीं तो मैं इसमें ये वाला ट्राई करती हूँ इसमें दूसरा वाला ट्राई करती बट नेवर माइंड सो सबसे पहले तो इसी को ट्राई करते हैं वैसे गाइज मैं ना आई पेंसिल्स या आई ब्राउ जेल्स कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ कभी कभी थोड़ा मस्कारा मस्काराई ब्रश अप कर लेती हूँ बट क्योंकि अब हमारे पास प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं सो ऑल्सो दिस इज़ ब्लैक ओके सो आई हैव टू बी रियली केयरफुल क्योंकि मैं अगर अप्लाई करूंगी भी तो लाइक डार्क ब्राउन कलर करूंगी एंड दिस इज जेड ब्लैक सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल वर्क तो कर रहा है दिस इज रनिंग स्मूदली लाइक दिस इज़ नॉट द वन जो बिल्कुल भी चलते नहीं हैं एंड बिल्कुल बेकार से होते हैं वैसा नहीं है काम तो कर रहा है एंड ये पिगमेंटेड भी है ऐसा नहीं है कि चल ही नहीं रहा तो मूविंग ऑन टू द मस्कारा फॉल्स लैश इफेक्ट फुल लैशेज नेचुरल लुक वाटर प्रूफ मस्कारा चीप मस्काराज यूज किए ना दे नेवर वर्कड आउट फॉर मी सो इससे मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है बट स्टिल ट्राई करके देखते हैं क्योंकि मैं ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ सो मे बी मे बी इट विल वर्क so guys this is how it looks definitely it has coated my eyelashes pretty well and ye bahut is a flattering and bahut is a sundar lag rahi hai eyelashes actually my eyelashes naturally bahut hi zyada thick flattering hai so main kuch bhi lagaungi to wo zyada exaggerate hokey dikhega but आई थिंक मस्कारा ने आई लैशेज को coat किया definitely डेफिनेटली इसको कर्ल वगैरह कुछ नहीं किया है क्योंकि कर्ल से मैंने इसको curl किया था एंड इसमें काफी थिक सा लिक्विड है जो ना आई लैशेज में चिपक गया है जिसकी वजह से ये ऐसे डार्क डार्क लग रही है इसको आप अपनी आईज के पास में लगा रहे हो एंड यू डोट नो वट ऑफ केमिकल्स आर देयर सो इट्स रियली हार्मफुल लाइक आई एम लेफ्ट मेकअप फिक्सर एंड आई ऑल्सो है ये मैंने कभी भी नहीं लगाया के बाद तो मेरी जो नॉर्मल लैशेस वो भी वो भी नहीं दिख रही सो आई डोंट नो हाउ दिस स्मेल बट डिश वॉश होता न, है ना उसके जैसे खुशबू आ रही है एंड आई डोंट नो मे बी फॉर सम ऑफ यू दैट माई मस्ट बी बदबू आई डोंट रियली यूज अ मेकअप फिक्सर तो मुझे मतलब पता नहीं चला की इसने काम किया भी या नहीं बट वॉट आई कैन सी इज जो जो ब्लश है वो पहले से थोड़ा ज्यादा ब्लैंड लग रहा है एंड काफी साटल हो गया है दिस इज हाउ द मेकअप लुक्स लाइक सो गाइज बाय नाव जो भी इस मेकअप कितने प्रोडक्ट्स थे मैंने सबको यूज करके ये ब्यूटिफुल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है एंड डो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स की तुम लोग ये मेकअप कैसा लगा आई मीन इट्स मुझे ना लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा मतलब कुछ क्रिएट हो भी पाएगा या नहीं बट आई फील लाइक अबाउट केव द आई शेडो पैलेट रियली लाइक दिस आई लाइनर एस्ट यू ऑलरेडी सॉ एवरीथिंग इन दिसो वुड आई रिकमेंडेड टू यू देन इफ यू आर अगिनर एंड यू जस्ट हैव लैंडेड ऑन द वर्ल्ड ऑफ मेकअप आई वोड recommend You to go for this kit because it's variety of products in just Rs. 700 rupees, so you can start trying out using makeup, and it has some beautiful eyeshadow shades with you can create different looks. Also, do let me know in the comment box what you think about this video and whether you like this makeup look or not. So, yeah, that was it for today's video, and I really hope that you enjoy watching this video. So, let me know in the comment box and video. And also, if you have come to this place for the very first time. Time, then I'm gonna link my other videos in the description box. And last but not the least, like this video, share this video with all your friends and family, subscribe to my channel, hit the bell icon. I will see you in the next video. Till then, goodbye.